Okay, good evening. ओके, आई होप मैं आप सबको नजर आ रहा हूं, मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है। विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ, गिव मी अ मिनट। आई डोंट नो, मेरे फोन कनेक्ट नहीं हुए, मेरे फोन पे दिखाई नहीं रहा है यूट्यूब लाइव। हेलो। हाँ सर। हाँ मुझे तो दिख रहे हो आप। हाँ ओके, सो चलो लेट अस कंटिन्यू। गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। आई नो इट्स ऑलरेडी लेट। ग्रेट, तो हम लोगों ने कल देख लिया था अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। देखो बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम जाते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने देख लिया था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। उसके बाद कल हम लोगों ने देख लिया डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में हमने प्राइस, ओ माय गॉड, डिमांड कर्व में हमने प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच का क्या ग्राफिकल रिलेशन है वो देखा। डिमांड कर्व में हमने इनके बीच का ग्राफिकल रिलेशनशिप देख लिया। कौन सा रिलेशन? ग्राफिकल रिलेशन देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब इस ग्राफिकल रिलेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि डिमांड हमने ले ली एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो डिमांड बढ़ रहा है, और प्राइस हमने ले ली वाई एक्सिस पे, ऊपर से नीचे आते हो तो प्राइस कम हो रही है। तो जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, इसीलिए ये स्लोप का कर्व डाउनवर्ड है, कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप। इनके बीच में कौन से दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे थे हम लोग? कौन से दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे?
हम बात कर रहे थे सर फर्स्ट इकोनॉमिक वेरिएबल प्राइस एंड सेकंड इकोनॉमिक वेरिएबल डिमांड, ये चेंज होता है अपनी मर्जी से तब इसमें चेंज आता है, बट इनके बीच का रिलेशन इनवर्स है। इनवर्स मतलब एक वन डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। ओके, मैं बीच बीच में देखते रहूंगा ये, क्योंकि मेरे आवाज नहीं आ रहा है। इनके बीच में कौन से दो इकोनॉमिक वेरिएबल, आवाज तो आना चाहिए। Am I audible? आ रही है कि मेरी आवाज? I'm sorry for this technical glitch. पता नहीं मेरे फोन में लाइव ही नहीं हो रहा है वो। Just a minute. मैं वापस बंद करके वापस लेक्चर तो अभी भी इनकमिंग। अब ऑल ओके है आई गेस, मैं दिख भी रहा हूं, मेरी आवाज भी आ रही है। सो अब हम बढ़ते हैं जिंदगी में आगे। ओके, फाइनली माय सेटअप इज डन, नाउ वी विल गो आगे। हेलो हेलो हेलो, प्लीज टेल मी मुझे आवाज आ रही है क्या? इसके बाद अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ रही है मेरी आवाज। चलो अब हम जाते हैं assumptions to the law of demand, the next topic that we are starting today. I'm sorry. The next topic we are starting today. Okay, thank you Rakesh, thank you Ayush. The next topic we are starting is assumptions to law of demand. ये होते हैं assumptions का मतलब होता है, assumptions का मतलब पता है क्या तुम लोगों को? Any hand? Assumptions का meaning क्या होता है? Assumptions का meaning क्या होता है? ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस वाई, ठीक है? ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस वाई। मिस वाई ने मिस्टर एक्स के पास देखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम। मिस वाई ने मिस एक्स, मिस वाई ने मिस्टर एक्स के पास दिया और स्माइल किया। मिस्टर एक्स के पास देख के मिस वाई ने स्माइल किया, क्या लगता है तुम्हें क्या हुआ होगा? क्या क्या लगता है तुम्हें? दो पॉसिबिलिटीज है, पहला शी लाइक्स हिम, दूसरा शी इज लाफिंग एट हिम। बेटा दो पॉसिबिलिटीज है, वो उसको देख के हंस रही है, वो उसके ऊपर हंस रही है। प्लीज ध्यान दो, क्या दो पॉसिबिलिटीज है, क्या दो पॉसिबिलिटीज है? कि वो उसको देख के हंस, देख के स्माइल कर रही है, या फिर वो उसके ऊपर स्माइल कर रही है कि छी ये कैसा बंदा है मिस्टर एक्स। समझा? यस और नो? पक्का पक्का पक्का? आपको क्या पता है कि इनमें से ये सही है या ये सही है? ठीक है, अब आप बताओ, आप आपको मिस वाई पसंद है, आपको मिस वाई पसंद है तो आप बोलोगे सर वो उसके ऊपर स्माइल कर रही है, ठीक है। बट आप अगर मिस्टर एक्स के दोस्त हो तो आप बोलोगे अरे वो तुझे देख के स्माइल कर रही है। आपको मिस वाई पसंद है तो आप बोलोगे अरे मिस वाई तो मिस्टर एक्स को देख के हंस रही है, वो उसके ऊपर हंस रही है। हा हा हा, कर समझा? बट आप अगर मिस्टर एक्स के अच्छे दोस्त हो तो आप बोलोगे अरे तुझे ही देख के स्माइल कर रही है। समझा कि नहीं समझा? एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, व्हाट आर दीज एग्जाम्पल्स, ध्यान दो इधर। एक और एग्जाम्पल, एक मस्त तबे की बाइक है, मेरे को बाइक ड्रॉ करते नहीं आता है, उस पर एक लड़का बैठा है मस्त, ठीक है, उसके पीछे एक लड़की बैठी है मस्त। क्या आप एज्यूम करोगे ये लड़का और लड़की? व्हाट डू यू थिंक? ये लड़की आपको बहुत पसंद है, ये लड़की आपको हाय अल्लाह बहुत पसंद है, समझा? तो आप बोलोगे ये लड़की और लड़का दोनों भाई बहन है। क्या आपको पता है वो कौन है? नहीं।
बट आप क्या बोल रहे हो, ये भाई बहन है। सो दैट इज अगेन वॉट यू आर डूइंग इज अपने मन को बहलाने के लिए, अपनी थियोरीज को सही प्रूफ करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए आप बोल रहे हो, आप जो ले रहे हो वो है अजम्पशंस। वो सारे अजम्पशंस है कि मुझे लगता है सर ये भाई बहन हो गए, पूछा तुमने जाके नहीं, बट तुम्हें तुम चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए, दैट्स व्हाई यू आर अज्यूमिंग इट टू बी लाइक दैट। सो अजम्पशंस का मतलब यही होता है कि सर वो है या नहीं वैसा हमको मालूम नहीं, हम उसे अज्यूम करके, अज्यूम अज्यूम, हम उसे अज्यूम करके चलते हैं कि वो ऐसा है। भाई साहब मेरा व्हाट्सएप बंद करने दो, मेरे को मेरे मैसेजेस पढ़ लोगे तुम लोग, ठीक है, प्लीज ध्यान दो। अब ये जो लड़का, ये बच्चों यार बाइक कैसे बनाते है? ऐसा बना हो गया भाई, जाने दो, कार में जा रहे हैं लड़का लड़की, ठीक है, ये एक लड़का ये एक लड़की मस्त कार में जा रहे हैं और तुम लोगों को चाहिए, तुम्हें वो लड़की पसंद है, इसलिए तुम अज्यूम कर रहे हो कि ये दोनों भाई बहन हैं। असलियत क्या है हमको नहीं मालूम, ये दोनों क्या है भाई बहन है, दैट इज योर अजम्पशन, असलियत तुम्हें मालूम नहीं, दैट इज अजम्पशन। अजम्पशंस क्यों लिए जाते हैं, ताकि अपनी थियोरीज को राइट प्रूफ कर पाओ, सिंपल एज दैट। अजम्पशंस क्यों लिए जा रहे, ताकि अपनी थियोरीज को राइट प्रूफ कर पाओ। तो यहाँ पे ध्यान दो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझो। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए पहले समझो लॉ ऑफ डिमांड क्या था, एक लास्ट टाइम बच्चों, अरे मेरे भाई रुक जा। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड क्या था, लॉ ऑफ डिमांड हमें फंक्शनल रिलेशन बता रहा था, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड हमें फंक्शनल, बच्चों लैपटॉप बहुत महंगा खरीदा मैंने, बट उसकी पेन उसके साथ जो आई है वो मुझे इतना धोखा देती है जितना मेरी एक्स ने भी नहीं दिया होगा, मेरी एक्स ने मुझे धोखा नहीं दिया था, डोंट वरी, ठीक है, दिया होगा मुझे क्या पता। नाउ गिव मी अ मिनट, माय पेन इज स्ट्रगलिंग। भाई साहब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाना है, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, डोंट टेल मी कि okay, I am back. ये व्हाइट बोर्ड हैंग हो गया था बच्चों, मेरे लैपटॉप को कुछ नहीं हुआ है। मेरे नोट्स किधर गए, ठीक है, चलो assumptions to law of demand पे जाते हैं, I'm extremely sorry, चलो अब हम लोग assumptions to law of demand पे जाते हैं। law of demand हमें बता रहा है, law of demand हमें बता क्या रहा था, law of demand हमें बता रहा था सर relation between price of a product and its demand, इन दो variables के बीच में बता रहा था कि क्या रिश्ता है, ठीक है। तो law of demand बोल रहा था कि सर जब जब price में change आएगा, जब जब price में change आएगा तब तब demand change जरूर होगा, तब तब कौन चेंज जरूर होगा, तब तक डिमांड भी चेंज होगा, ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। बट ये तभी सच है जब कुछ बातों को आप अज्यूम करके चलो, ये तभी सच है जब कुछ बातें आप अज्यूम कर लो कि वो कांस्टेंट है, तब आप अज्यूम कर रहे हो कि कुछ चीजें कैसी है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। समझा कि नहीं समझा, हाला क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कल के लेक्चर में कि जब कोविड की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी इन द सेकेंड वेव, ठीक है, कुछ मेडिसिंस थे जो महंगे होने के बावजूद, जो महंगे होने के बावजूद भी उनकी डिमांड बढ़ रही थी। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस जब कम होगा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम होगा तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी, बट तब ऐसा हो गया था कि लोगों को जरूरत थी, नीड्स, लोगों की जरूरत थी, इसीलिए लोगों ने प्राइस बढ़ने के बावजूद उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाई थी। समझा, इसका मतलब हमेशा सब सारी डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है। बट ये जो रिश्ता है लॉ ऑफ डिमांड ने जो बताया है हमें, लॉ ऑफ डिमांड ने जो ये पवित्र रिश्ता
बताया है, ये तभी पॉसिबल है। मतलब हर बार लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ चीजों को अज्यूम करके चलो कि वो चीजों में कोई चेंज नहीं है। मतलब इन सब चीजों की वजह से भी डिमांड में चेंज आ सकता है, तो वी आर अज्यूमिंग कि कोई चेंज नहीं आया इनमें, सिर्फ प्राइस बदल रही है, बाकी सब हमारे अजम्पशंस है। और ये अजम्पशंस क्यों आते हैं, ये अजम्पशंस आते हैं इस एक लाइन की वजह से, रुक जाओ, ये अजम्पशंस आते हैं इसलिए एक लाइन की वजह से, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दैट इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। यहां पे ही लॉ ऑफ डिमांड ने शुरुआत ही अजम्पशन से की है, लॉ ऑफ डिमांड की शुरुआत ही एक अजम्पशन से हुई है। व्हाट इज दैट अजम्पशन? Other things being equal. So what are those assumptions over here? What other things are equal? So law of demand gives you the relation between price and demand. It says price कम होगा तो demand बढ़ेगा, provided ये सारी चीजें constant होनी चाहिए। इनमें कोई change नहीं आया, कोई change नहीं आया। जैसे no change in consumer की income, ठीक है, ये है हमारा consumer X। ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर एक्स गरीब बेचारा 50,000 रुपीज पर मंथ कमाता है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जाके खरीद रहा है, एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिओड्रेंट खरीद रहा है वो, ठीक है। अब उसे डिओड्रेंट तो लगेगा क्योंकि वो नहाता नहीं है, ठीक है, एक्स है किसी का, नहाता नहीं होगा तभी एक्स बन गया बेचारा, ठीक है। अब ये एक्स है बेचारा, इसको डिओड्रेंट खरीदने का, ये जनरली जाके मार्केट से 400 रुपीज का डिओड्रेंट बाय करता है, ठीक है। अब इसकी इनकम 50,000 है, इसमें इसको पूरा अपना जिंदगी गुजारना है, मतलब पूरा महीना, अभी तक इसकी इनकम 50,000 है। अब अगर वो एक दिन मार्केट में गया और उसने देखा डीओ पे ऑफर चल रहा है, एक 400 में खरीदो और दो 600 में खरीदो, तो वो क्या करेगा, मतलब उसको एक पड़ रहा है 400 का, बट अगर वो दो खरीदेगा, तो उसे 600 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब एक 300 रुपए में पड़ेगा। प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, किसकी ज्यादा, तो जब उसकी इनकम कांस्टेंट है ना, अरे ये एक्स है जिसकी इनकम कितनी थी 50,000, जब उसकी इनकम कांस्टेंट है तो प्राइस कम होने पे वो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देगा। समझा कि नहीं? बट अब हम बोल रहे हैं कि देखो सर, ये एक्स है, एक्स वो डीओ खरीदने चला गया, आज उसने एक डीओ खरीदा 400 रुपए का, अगले महीने उसकी प्रमोशन हो गई, उसको 10% इंक्रीज मिला और अब वो 55,000 रुपए कमाने लग गया, उसकी सैलरी 55,000 रुपए हो गई, ठीक है। और ये डीओ अभी भी एक डीओ 400 रुपए का है, कोई ऑफर नहीं है, सेटरस पैरिबस, ओके आते हैं हम उस पे भी आएंगे, सेटरस पैरिबस। बेटा आई एम सो सॉरी, ऊपर का पार्ट मिस हो गया, बताता हूं, रुको, मैं जरा जोश में आगे बढ़ गया, बट हम वापस पीछे जाएंगे, हम एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी, ओके। अब बेटा उसका 55,000 डीओ हो गया, सैलरी हो गया उसका 55,000, अब वो बोल रहा है यार इस महीने में ना हम दो डीओ खरीद लेंगे, मतलब एक डीओ 400 का है, उसने बोला मैं एक और डीओ 400 रुपए का दूसरा फ्रेग्रेंस वाला खरीदूंगा, तो कभी कभी मैं सुबह ये डीओ यूज करूंगा, गर्लफ्रेंड को एक दिन मिलने जाऊंगा तो पहला डीओ यूज करूंगा, दूसरे दिन मिलने जाऊंगा तो दूसरा। मतलब सर प्राइस चेंज नहीं हुई बट डिमांड बढ़ गई। पहले कैसा था, जब उसकी इनकम सेम थी ठीक है, तो वो प्राइस कम होने की वेट कर रहा था, बट जब उसकी इनकम बढ़ गई, उसके पास स्पेंड करने के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए जेब में, तो इवन दो द प्राइसेस हैव नॉट चेंज्ड, द डिमांड हैज गॉन अप, पहले वो एक डीओ खरीदता था, वो दो डीओ खरीद रहा है बिकॉज हिज इनकम हैज गॉन अप। इस केस पे प्राइस और डिमांड का कोई रिश्ता इतना बन नहीं रहा है, इसीलिए उन्होंने बोला है सर देखो, अगर लोगों की इनकम बढ़ने लग गई ना तो डिमांड वैसे भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ो या ना बढ़ो, प्राइस चेंज हो या ना चेंज हो, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड यहां पे सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सर प्राइस में नो चेंज आया फिर भी डिमांड इंक्रीज हो गई। समझा यहां पे? यस एवरीवन अंडरस्टूड, तो प्लीज टेल मी कि यस सर हमें समझ गया, प्लीज समझा आप लोगों को। सेटरस पैरिबस पे आएंगे, एक मिनट के लिए और रुके, अब उल्टा जाता है। बच्चों एक बात बताओ, आपकी खुद की एग्जांपल ले लो, आप जब तक स्टूडेंट हो तब तक आप गरीब हो, तब आप मैकडॉनल्ड्स में जाके 100 रुपए का बर्गर खरीदोगे, समझा? आप सीएस बन गए, मस्त आप बन गए एक कंपनी सेक्रेटरी,
आप बन गए कंपनी सेक्रेटरी। जिस दिन तक आप स्टूडेंट थे आपके घर वाले आपको 5,000 रुपए महीना दे रहे थे, वो भी आप दूसरे सिटी में रह रहे हो, इसीलिए सीएस बनते ही आपकी सैलरी हो गई 50,000 रुपए। सीएस बनते ही आपकी सैलरी हो गई 50 रुपए। अब आप जब मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो 250 रुपए के नीचे का तो बर्गर हम खरीदते ही नहीं सर, वो गरीबी वाले दिन चले गए हमारे। मैकडॉनल्ड्स का ये 100 रुपए का बर्गर आज भी 100 रुपए में मिल रहा है, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आई, बट बिकॉज आपकी इनकम बढ़ गई, आपने सस्ती चीजों का शौक छोड़ दिया और आप महंगी चीजों की तरफ बढ़ गए, मतलब इसकी प्राइस में नो चेंज होने के बावजूद इसकी डिमांड नीचे जा रही है। जनरली क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस जब ऊपर जाएगी किसी प्रोडक्ट की तब उसकी डिमांड नीचे आएगी। बट अगर आपकी इनकम बढ़ गई ना बच्चों, तो जो सस्ते गुड्स होते हैं, हल्के गुड्स होते हैं, जो हम गरीबी में इस्तेमाल कर रहे थे, उन गुड्स की डिमांड धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और महंगी चीजों की डिमांड आप बढ़ाने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप ट्रैवल करते हो तो शायद आप बस से ट्रैवल करो, ऑटो से ट्रैवल करो, आप जब सीएस बनके 50,000 रुपए की नौकरी पे लग जाओगे तो आप एसी कैब से ट्रैवल करोगे, ट्रेन में भी एसी वाले रिजर्वेशंस बुक करोगे क्योंकि आपके पास तब इनकम बढ़ जाएगी। तो भले ही एसी कैब जो है, सुनो, ऑटो रिक्शा का पैसा कुछ नहीं हुआ, ऑटो रिक्शा के चार्जेस चेंज नहीं हुए, पहले भी ऑटो रिक्शा के चार्जेस उतने ही थे, आज भी ऑटो रिक्शा के चार्जेस उतने ही है, बट आपकी इनकम बढ़ गई तो सस्ती चीजों की डिमांड कम हो गई, महंगी चीजों की डिमांड बढ़ गई और प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया तो भी बढ़ा। समझा या फिर? सो दिस हैपेंस व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, इवन दो देयर इज नो चेंज इन प्राइस, द डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। जनरली आपकी इनकम जब बढ़ने लगेगी तो लग्जरी आइटम्स जो है इनकी डिमांड बढ़ने लगेगी और इनफीरियर आइटम्स जो है इनकी डिमांड घटने लगेगी, इवन दो देयर प्राइसेस हैव नॉट चेंज्ड। ठीक है? सो अब मैंने ऊपर का सब कुछ समझा दिया था, फिर भी एक वर्ड रह गया सेटरस पैरिबस, तो हम वो कर लेते हैं और फिर आगे के अजम्पशंस पढ़ते हैं। The above stated law of demand is conditional. Law of demand में ये बोला था, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी। बट उन्होंने बोला था, लॉ ऑफ डिमांड शुरू करने के पहले ही बोला था कि कुछ चीजें इसमें चेंज नहीं होनी चाहिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको बोलते हैं सेटरस पैरिबस। तो मैंने समझा दिया था, मैं सिर्फ उसका नाम बता रहा, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, उस चीज का नाम बताना भूल गया था। सो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, इट इज देयरफॉर सेड दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मीनिंग होता है सेटरस पैरिबस। हम मान रहे हैं कि सिर्फ प्राइस वेरिएबल है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इट रिलेट्स टू द चेंज इन प्राइस वेरिएबल ओनली। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहा है, प्राइस की। प्राइस जब चेंज हो, देखो डिमांड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड क्या है, डिमांड कंप्लीटली डिपेंडेंट वेरिएबल है। अलग अलग चीजें चेंज हुई कि डिमांड चेंज होने लग जाती है, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई डिमांड चेंज, लोगों की इनकम चेंज हुई डिमांड चेंज, लोगों की चॉइसेस चेंज हो गई डिमांड चेंज। समझा कि नहीं समझा? एक टाइम कैटरीना के साथ लोगों को सलमान चाहिए था, आज कैटरीना के साथ लोगों को विकी कौशल चाहिए। समझा? चॉइस चेंज हो गई लोगों की, इसीलिए डिमांड चेंज हो गई। सो डिमांड डिपेंडेंट है और डिमांड बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, हम उसमें सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं इन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? अज्यूमिंग अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड टू बी कांस्टेंट, तो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, ये कि बाकी जो चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है दोज आर कॉन्स्टेंट, बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी कॉन्स्टेंट है। तो हम पहला अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर के इनकम में नो चेंज, दूसरा कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में भी नो चेंज, कंज्यूमर के इनकम में नो चेंज, ये समझा दिया मैंने। आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल चीजें जो आप यूज कर रहे हैं उनकी डिमांड कम, महंगी चीजों की डिमांड ज्यादा और सस्ती चीजों की डिमांड कम होने लग जाएगी। ठीक है? नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के चॉइसेस चेंज नहीं हो रहे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपए में बिक रहा है, तब मैं 10 यूनिट्स बाय करता था, आज भी वो 100 रुपए में बिक रहा है बट मेरे को नहीं खरीदने का क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता वो सर, मुझे उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो मैं वो प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा हूं। समझा? यहां पे एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं इसका। एक है मिस्टर एक्स, ये बहुत ज्यादा प्यार करता है मिस बी को, मिस वाई, ये मिस वाई को बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है? मिस वाई
मिस वाई मिस्टर एक्स के हर मैसेज को एक मिनट के अंदर रिप्लाई दे देती है, मतलब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बिल्कुल भाव नहीं खाती है, सॉरी मिस वाई बिल्कुल भाव नहीं खाती है, ठीक है। फिर एक दिन इनके मोहल्ले में जेड आ गई, मिस जेड आ गई और मिस्टर एक्स की नजरे मिस जेड पे चली गई, बट मिस वाई ने कोई भाव खाना स्टार्ट नहीं किया ना भाव देना, मतलब मिस वाई का भाव चेंज नहीं हुआ है। आज भी जब मिस्टर एक्स एक मैसेज डालता है मिस वाई एक मिनट में उसे रिप्लाई कर देती है, मिस वाई का भाव चेंज नहीं हुआ, मिस वाई इज नॉट ईटिंग एनी भाव। ऐसे ही बोलते हैं ना तुम लोग गरीब लोग, गरीब लोग मतलब नॉट गरीब, बट मिस वाई का भाव में नो चेंज, आज भी उतना ही भाव खा रही है जितना पहले खाती थी, बट मिस्टर एक्स अब जला गया, मिस्टर एक्स की चॉइस चेंज हो गई। मिस वाई परेशान कि ये आजकल मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करता, मैं तो बिल्कुल भाव नहीं खाती, मैं तो पहले जैसी थी वैसी थी, मतलब किसी कमोडिटी की प्राइस में नो चेंज आया है बच्चों, फिर भी उसकी डिमांड कम हो रही है क्योंकि हमारा कंज्यूमर जो है कंज्यूमर बिल्कुल बेवफा है, हमारा कंज्यूमर इतना बेवफा है, और कंज्यूमर बेवफा ही होता है, कंज्यूमर बेवफा होता है। आप किसी के साथ बिजनेस अगर कर रहे हो, आपको उसको जिंदगी भर आप उसको गुड्स बेच रहे हो, उसको एक बार भी कहीं सस्ता मिला ना, वो जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ के दूसरे से बाय करने चला जाएगा 2 रुपए के लिए भी। आप खुद भी ऐसे हो स्विगी और जोमेटो पे, 10 पैसे के लिए स्विगी से जोमेटो पे शिफ्ट होते हो, जोमेटो से स्विगी पे शिफ्ट होते हो, तो कंज्यूमर बेवफा होता है। आज मिस वाई इज दैट कमोडिटी जिसकी प्राइस में नो चेंज आया है बट उसकी डिमांड एकदम से कम हो गई है, रीजन बीइंग मिस्टर एक्स की चॉइस चेंज हो गई, इसीलिए इन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर एक्स की कोई चॉइस चेंज नहीं हुई, तब मिस्टर एक्स की चॉइस ही चेंज नहीं हुई, मिस्टर एक्स को आज भी वाई ही चाहिए, तो अगर उसकी प्राइस में नो चेंज है तो वाई की डिमांड में भी नो चेंज रहेगी। तो हमें प्राइस और डिमांड का रिश्ता चेक करना है, इसीलिए हमें प्राइस और डिमांड का पवित्र रिश्ता चेक करना है, इसीलिए हम अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट, नो चेंज इन फैशन। आजकल तो ट्रेंडिंग वाला वर्ड बहुत ट्रेंड में है, फिलहाल बच्चों जो ट्रेंड में होता है या जो ट्रेंडिंग है उसकी डिमांड होती है, जैसे ही वो ट्रेंड में से हट गया उसकी डिमांड गायब हो जाती है। तो वैसे ही ध्यान दो, ये है मेरी एक कंपनी है जो बनाती है जीन्स, ठीक है, मैं इंडिया में जीन्स बना के बेचता हूँ, मैंने फॉरेन कंट्री यूएस में देखा, मैंने देखा ये लोग आधी फटी हुई जीन्स पहनने लग गए, क्या बोलते हैं इस जीन्स को जो फटी फुटी होती है इधर उधर से, मैं नहीं पहनता इसलिए मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं उस जीन्स को जो फटी फुटी होती है, बहुत भारी नाम दिया है लोगों ने इसको, रिप्ट जीन्स बोलते हैं, रिप्ट फाड़ने को ही रिप बोलते हैं, समझा यहाँ पे, मतलब मुझे परेशान, मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि यार फटे हुए कपड़े देने के लिए हम पैसे दे रहे हैं। एक जमाना था बच्चों मेरी जीन्स इतू सी फट गई ना अगर कहीं इतू सी तो मैं उसे पहनना छोड़ देता था, समझा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक तो ये अच्छी जीन्स ले रहे हैं उसे फाड़ रहे और उसे 2,000 और 3,000 रुपए में बेच रहे हैं, ये उस जीन्स को 3,000 रुपए में, दो काई को और महंगा, हम लोग बहुत भारी, ये लोग उस जीन्स को आज 3,000 रुपए में बेच रहे हैं। एक साल हो गया जीन्स ट्रेंडिंग थी, 2 साल हो गया, तीसरे साल वो आउट ऑफ फैशन हो गए, डैमेज्ड जीन्स, ना 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 इसको डैमेज नहीं बोल सकते हो, सौभाग्य लोग तो इसे पैसा दे के खरीद रहे, रिप्ट बोलते इसको, रिप्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे कॉल इट रिप्ट, बहुत पसंद है लोगों को ये वर्ड, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जो क्लास में आते थे उनको ही बोलता था ये क्या फटी हुई जीन्स पहन के, बोलते सर ये रिप्ट जीन्स है, सर के सामने स्टाइल मार रहे, समझा, तो इसको बोलते रिप्ट जीन्स। बेटा अब क्या हो गया, मैंने देखा अरे बच्चे तो फटी हुई जीन्स पहनने में बहुत पैसा दे रहे, 3,000 रुपए दे रहे एक जीन्स खरीदने के लिए, वेरी गुड। धीरे धीरे टाइम ऐसा आया कि सबके जो नहीं वो फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहे, फिर लोगों ने बोला यार मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग लग नहीं रहा, आई वॉन्ट टू बी इन फैशन, मैं कुछ नया जीन्स पहनेगा, और धीरे धीरे रिप्ड जीन्स आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिप्ड जीन्स आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, और जैसे ही रिप्ड जीन्स आउट ऑफ फैशन हो गई, समझा, आउट ऑफ फैशन, तो उसकी प्राइस चेंज हो ना हो उसकी डिमांड जरूर गिर जाएगी, ठीक है, उसकी डिमांड जरूर गिर जाएगी क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गया। कोई भी मोबाइल फोन ले लो बच्चों, मोबाइल फोन का भी सेम सीन होता है, कोई भी मोबाइल फोन का ऐसे ही होता है, लेटेस्ट वाले आईफोन्स या लेटेस्ट वाले सैमसंग और वन प्लस इतने महंगे बिकते हैं और पुराने वाले जो आउटडेटेड हो गए उनकी प्राइस क्यों कम करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी डिमांड गायब हो चुकी है, ये बोलते हैं भैया प्राइस कम करके तो भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो देयर इज नो चेंज इन फैशन। अब इसके बाद आता है देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
ये इंपॉर्टेंट है रिलेटेड गुड्स, शायद यही तक आज हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्लीज ध्यान दो। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। रिलेटेड गुड्स का एग्जाम्पल दूंगा हमारे मिस्टर एक्स के साथ। रिलेटेड गुड्स का एग्जाम्पल दूंगा, कौन है ये चारी बटलर, कुछ भी बेचते रहते हैं तुम, कुछ क्लिक मत करना बच्चों, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है ना। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की एक गर्लफ्रेंड है मिस वाई, और इसी कॉलेज में इनके ही क्लास में एक और लड़की है मिस जेड। मिस्टर एक्स को वैसे दोनों पसंद है, चलो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर एक्स को मैंने पूछा कि भैया तेरे को कौन पसंद है, मिस वाई या मिस जेड? वो बोला सर दोनों में से जो भी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हूं। मैंने बोला वेरी गुड। मैंने बोला भाई अब मेरे को बता इसमें से तुझे कौन ज्यादा अच्छी लगती है। वो बोलेगा देखो सर मिस वाई ना बिल्कुल भाव नहीं खाती, मिस वाई क्या नहीं खाती का मतलब मिस वाई की प्राइस इज लो। बेटा प्राइस मतलब क्या, पैसे नहीं मांग रही है, भाव नहीं। सर कितने दिनों में इकोनॉमिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बहुत जल्द करेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड अप हम लोग कर देंगे, डोंट वरी। सर ने अनाउंस किया था कि ये फुल फ्लेज बैच होगा इसलिए मैं स्लो जा रहा हूं, वरना हम थोड़ा फास्ट जाते थे। लेट्स सी, एक दो दिन थोड़ा यूज टू हो जाओ, देन वी विल इंक्रीज आवर टाइमिंग्स आल्सो, ठीक है। मिस वाई भाव नहीं खाती, अब मिस वाई भाव नहीं खाती है, मिस जेड बहुत भाव खाती है। एक बात बताओ, मिस्टर एक्स किसको ज्यादा भाव देगा, मिस वाई या मिस जेड? मिस्टर एक्स किसको ज्यादा भाव देगा? मिस वाई ने बोला यार मिलने आना, सुनो मिस वाई बोलती है मिलने आ, मिस्टर एक्स चला जाएगा। मिस्टर एक्स मिस जेड को बोल के थक गया, मुझे मिल। मिस जेड भाव गा रही है, मिलती ही नहीं। नाउ टेल मी मिस्टर एक्स किसकी तरफ ज्यादा बढ़ेगा, मिस वाई या मिस जेड? जल्दी, अरे कुछ तो लिखो, सात तो लोग हैं, लवकर। तो अब यहां पे ध्यान दो, जिसकी प्राइस कम उसकी डिमांड ज्यादा, जेड की तरफ। सौभाग्य इमोशनल हो रहे हो बेटा तुम, बेटा हम इकोनॉमिक्स में है, भले ही मैंने लड़की की बात की है, बट तुम सबका अपना अपना होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट यार, ये जेड तो भाव भी नहीं तेरी भाड़ में जाए। मिस्टर एक्स Y के पीछे पीछे भागेगा क्योंकि इसका मतलब Y के डिमांड बढ़ने लगे। Y की देखो मिस Y क्या नहीं करती है, भाव नहीं खाती है, मतलब उसकी प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा है। और मिस जेड बहुत भाव खाती है का मतलब क्या है बच्चों, इसकी प्राइस ज्यादा है तो इसकी डिमांड नेचुरली कम हो जाएगी, इन दोनों प्रोडक्ट्स को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जेड के पीछे कोई नहीं जाएगा, मेरे जैसा लड़का तो नहीं जाएगा जो इतना भाव कर रहा है, मैं उसे भाव नहीं दूंगा। जो दादा भाव नहीं कहती है, इकोनॉमिक रैशनल कंज्यूमर भी है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, क्या मिस्टर एक्स दोनों के साथ जा सकता है? नहीं, एक के साथ ही जाना है। तो अब उसे चूज करना है वाई और जेड में से। अब ध्यान दो, तो जनरली वो उस प्रोडक्ट के पास जाएगा जो कम कॉस्टली है, मिलने वाला तो उसे सेम रिटर्न है, धोखा। समझा यहाँ पे, देखो अल्टीमेटली उसे धोखा मिलेगा। मैं इतना नेगेटिव नहीं हूं जिंदगी में, समझा यहाँ पे, बट अभी जो के अपना ये। इसका मतलब एकदम सिंपल एग्जाम्पल को अगर मैं बोलू, ये है वन प्लस का फोन, बेटा अल्टीमेटली कमोडिटीज पे आएंगे, ये है वन प्लस का फोन और ये है आई का फोन, ठीक है, ये है वन प्लस का फोन, ये है आईफोन। मैंने देखा वन प्लस 50,000 रुपए का है, आईफोन 70,000 रुपए का है। मैंने सोचा चलो वन प्लस खरीद लेते, आईफोन खरीद लेते, 20,000 एक्स्ट्रा देके चलो आईफोन खरीद लेते। तभी वन प्लस ने एक ऑफर लॉन्च किया
और वो अपना फोन 45,000 में बेच रहे हैं। मैंने बोला यार पहले ही ऑलरेडी 20,000 महंगा है, अगर आप कंपेयर करो तो 20,000 रुपए फोन महंगा है, अभी और 5,000 सस्ता हो गया, मेरे को 25,000 रुपए बच रहे हैं। मैं इस 25,000 में अपने मम्मी के लिए एक फोन ले सकता हूँ, पापा के लिए एक फोन एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, एक काम करते मैं जाके वन प्लस का फोन खरीद लेता, आईफोन फिर कभी ले लेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आईफोन की प्राइस में आई नो चेंज, आईफोन की प्राइस में आया नो चेंज, बट आईफोन का जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ये रिलेटेड प्रोडक्ट है। रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो आपका रिलेटेड प्रोडक्ट है। रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस में जैसे ही गिरावट आई, रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस में जैसे ही गिरावट आई, इसकी डिमांड कम हो गई। जो बंदा आईफोन लेने जा रहा था उसने देखा वन प्लस सस्ता हो गया, वो चला गया वन प्लस खरीदने के लिए। समझा? यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि दोनों में से एक को खरीदेगा कस्टमर तो कस्टमर, देखो मैं ये नहीं बोल रहा दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के, आईफोन 70,000 का है, वन प्लस 20,000 रुपए, वन प्लस 50,000 रुपए का है, बट उसने मन बना लिया था आईफोन खरीद लूंगा, 20,000 एक्स्ट्रा भी दे दूंगा चलो, क्योंकि उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला था उसको। बट जैसे ही उसने देखा वन प्लस और सस्ता हो गया, वो वन प्लस की तरफ शिफ्ट हो गया। यही है मिस वाई और मिस जेड। मिस जेड ज्यादा भाव खा रही है, मिस वाई ज्यादा भाव खा रही है, मतलब उसकी प्राइस ज्यादा है, उसकी प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है, और मिस वाई बिल्कुल भाव नहीं खाती तो नेचुरली उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के है सब्स्टिट्यूट्स, ये दोनों है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स। ओके पक्का? अरे समझा कि नहीं? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में पहला रिलेटेड कमोडिटी होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है जैसे मैंने बोला वन प्लस का फोन और एप्पल का फोन, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, लॉ ऑफ डिमांड मुझे अप्लाई करना है वन प्लस के फोन पे, मुझे ये देखना है कि वन प्लस के फोन की प्राइसेस जब नीचे जा रही है तब वन प्लस के फोन की प्राइसेस ऊपर कितनी आ रही है। बट ऐसे केस में मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि एप्पल की प्राइसेस में नो चेंज आया है, मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि एप्पल की प्राइसेस में नो चेंज आया है, तभी मैं ये लॉ ऑफ डिमांड देख पाऊंगा ऑफ आवर कमोडिटी। अपना कमोडिटी वन प्लस का फोन है, अपना कमोडिटी वन प्लस का फोन है, हमें देखना है इसका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब इसकी प्राइसेस जब नीचे जाती है तो इसकी डिमांड कितनी ऊपर आती है। उसके लिए हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि खरीदने वाले की इनकम सेम है, खरीदने वाले की चॉइसेस चेंज नहीं हो रही है, खरीदने वाले की प्रेफरेंसेस भी चेंज नहीं हो रही है। प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रही मतलब चॉइसेस चेंज नहीं हो रही है, फैशन भी चेंज नहीं हुआ है, और हमें यह भी अज्यूम करना पड़ेगा कि इसके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, उनके प्राइसेस में नो चेंज आया है। क्योंकि सोचो वन प्लस की प्राइस कम हो रही है तो वन प्लस की डिमांड बढ़ने ही वाली थी, तभी एप्पल ने डिस्काउंट दे दिया, एप्पल ने बोला हम भी डिस्काउंट देंगे 50% डिस्काउंट, एप्पल का 70,000 का फोन 35,000 में मिलने लग गया, इतना नहीं देते बट जस्ट अज्यूम चलो 70,000 का फोन 60,000 में मिलने लग गया, एप्पल का 70,000 का फोन 60 में आ गया, एप्पल का 70,000 का फोन 60 में आया। ऐसे में क्या हो रहा है बच्चों? इवन दो इसकी प्राइसेस कम हो रही है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग इधर भाग जाएंगे। तो हमें जब इसका लॉ ऑफ डिमांड चेक करना है वन प्लस का, तब हमें अज्यूम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं होगा, होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तभी हम लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ कर पाएंगे कि देखो सर वन प्लस की प्राइसेस कम हो रही है तो वन प्लस की डिमांड बढ़ रही है। तब हमारा अजम्पशन ये है कि एप्पल के फोन की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है, सब्स्टिट्यूट्स। समझा सब्स्टिट्यूट्स। दूसरे तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरे तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। दूसरे, अरे मेरी स्पेलिंग अच्छी है बट मेरी हैंडराइटिंग, दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्या होते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आ जाते हैं हमारे बेचारे मिस्टर एक्स पे। मिस्टर एक्स ने फाइनली मिस वाई को प्रपोज कर दिया और मिस वाई ने उसको हाँ बोल दिया, ठीक है। मिस वाई ने उसको हाँ बोल दिया बट मिस वाई के पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट है। मिस वाई ने बोला यस आई लव यू टू, लव बहुत बड़ी बात होती है बट इनको हो गया एक बार में,
समझा यहाँ पे, ये दोनों अब एक हैप्पीली एंगेज्ड कपल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है सुनो, मिस्टर एक्स मिस वाई को मिलना चाहता है बट मिस वाई के घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए मिस वाई हमेशा अपनी एक फ्रेंड मिस ए को साथ में लेके आ जाती है। मिस वाई के साथ हमेशा एक फ्रेंड आ जाती है मिस ए। ये तीनों लोग किसी जाके कैफे में मिलते हैं, तब मिस वाई बिचारी सीधी साधी भोली वाली बच्ची है वो, मिस वाई बिचारी एक नॉर्मल कॉफी ऑर्डर करती है 25 रुपए की। जितनी भी बार जाओ मिस वाई कॉफी ऑर्डर करती है, बट मिस ए ने पहली बार क्या किया, मिस ए पहली बार आई उसने भी कॉफी पी ली 25 रुपए की, वो बोली अरे वाह। अगली बार मिस ए ने क्या किया, मिस वाई ने अगली बार भी 25 रुपए की कॉफी मंगाई चुपचाप, मतलब मिस वाई ने कोई ज्यादा भाव नहीं खाया। मिस वाई ने ये नहीं बोला कि अब मैं तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं ज्यादा भाव खाएगी, मेरे को महंगी कॉफी चाहिए, ना बाबा ना। मिस वाई मिलने के लिए 25 रुपए की कॉफी में भी रेडी हो गई। इस बंदी ने मंगा लिया 250 रुपए का पिज्जा, इस मंदी ने क्या मंगाया 250 रुपए का पिज्जा। मिस्टर एक्स परेशान बोल रहे मेरी गर्लफ्रेंड तो 25 रुपए का कॉफी पीती है, बट उसके साथ जो प्रोडक्ट, ओ माय गॉड, उसके साथ जो प्रोडक्ट चल के आ रहा है ना सर, उसका तो भाव बढ़ते जा रहा है। इस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, इस प्रोडक्ट को यूज नहीं बोलना चाहिए यहां पे, इस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, को यूज करने के लिए मुझे इस प्रोडक्ट को भी झेलना पड़ रहा है। तो सर भले ही मेरी गर्लफ्रेंड भाव नहीं खा रही है, बट उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री में आती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में जो आती है, उसका भाव बढ़ रहा है, मेरे को नहीं परवड़ रहा है ये प्रोडक्ट, मैं जा रहा जेड के पास। मिस्टर एक्स बोलेगा मैं जा रहा जेड के पास, क्योंकि जेड कभी भी अकेले मिलने आती है, जेड कुछ नहीं, जेड अपने अपने पैसे खुद भी दे देती है, तो जेड के साथ जुड़ के कोई खर्चे नहीं आ रहे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगे होते गए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगे होते गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगे होते गए तो मेन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब मिस्टर एक्स अब वाई को बोलेगा ये मिलना है तो मिल, वरना मत मिल मेरी माँ, ए को मतलब तू ए को लाएगी तो मुझे तुझे मिलना ही नहीं, डिमांड कम हो गई। मिस वाई परेशान, मेरी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आई, मैं तो भाव नहीं कर रही हूं, बट तेरे साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है ना भाई, दीदी आप मेन प्रोडक्ट हो, नो वरीज, आप मेन प्रोडक्ट हो, बट आपके साथ एक प्रोडक्ट को झेलना पड़ता है हमें, वो प्रोडक्ट महंगा आ रहा है, तो मेन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना यूजलेस होते जा रहा है, महंगा होते जा रहा है, इसीलिए आपकी भी डिमांड कम हो रही है। अच्छा वाला एग्जांपल देता हूं, मतलब ये अच्छा वाला एग्जांपल था मेरा, अब इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल देता हूं बच्चों। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है, मैं खुद सोच रहा हूं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइसेस में नो चेंज आया, बट हो क्या गया, जो हमारी पेट्रोल व्हीकल्स है बेटा, पेट्रोल व्हीकल्स, मैं खुद एक हाथी पालता हूं, ठीक है, ध्यान दो इधर, मतलब मेरी गाड़ी, ठीक है, एक पेट्रोल व्हीकल है बच्चों, एक जमाना था जब 70 रुपए पेट्रोल था, आज वो पेट्रोल 110 रुपए हो गया है। मतलब अगर मुझे बाइक यूज करनी है, बाइक इज द मेन प्रोडक्ट, बाइक इज द मेन प्रोडक्ट, बट इस बाइक के साथ आता है हमेशा ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होते जा रहा है तो नेचुरली बाइक्स की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि सर बाइक पर खरीदो उसके बाद उसके पेट्रोल पे इतना खर्चा करो हमसे ना हो पाएगा, इसीलिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इवन दो बाइक की प्राइसेस चेंज नहीं हो रही है फिर भी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी यूज्ड अलोंग विद द बाइक, द प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी बॉट विद द बाइक, बॉट मतलब सर बाइक खरीदा है तो उसके साथ ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट उसके साथ जाएंगे, सो सर ये महंगा हो रहा है तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यस दारा, कार एंड पेट्रोल, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अब वंस अगेन हमें देखना है कि बाइक की लॉ ऑफ डिमांड बोलता है बाइक की जब प्राइसेस बढ़ेगी ना तो बाइक की डिमांड कम होगी, और बाइक की प्राइसेस घटेगी तो डिमांड कम होगी, अज्यूमिंग दैट पेट्रोल की प्राइसेस में देयर इज नो चेंज, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस में चेंज आई तो बाइक की डिमांड में चेंज आएगा, बट हमें वो नहीं करना है, हमें देखना है डिमांड प्राइस की वजह से कितना बदल रहा है, इसलिए वी आर अज्यूमिंग कि पेट्रोल के भाव बदले नहीं है, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट्स, पहला होता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका एक ये याद रख लो, पहला होता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट वाला लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला होता है सब्स्टिट्यूट,
एक सेकेंड रुको, ओके फर्स्ट वाला होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की केस में क्या होता है, ध्यान दो, एक्स है और एक्स का सब्स्टिट्यूट वाई है, एक्स है और एक्स का सब्स्टिट्यूट वाई है, जैसे ये है वन प्लस का फोन और ये है एप्पल का या फिर सैमसंग ले लो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं इनको तो। अरे मेरे फैन को क्या हो गया भाई, वाई जो है वो है सैमसंग का फोन, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, वाई जो है सैमसंग का फोन, याद रखना अगर सैमसंग के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वन प्लस की डिमांड बढ़ेगी। सैमसंग महंगा हो गया, लोग सैमसंग लेने चले गए, उन्होंने देखा अरे सैमसंग महंगा है, वन प्लस सस्ता है, वन प्लस ले लो। अगर सैमसंग की प्राइसेस कम होगी तो वन प्लस की डिमांड कम हो जाएगी, लोग बोलेंगे अरे सैमसंग लेने ही वाले थे और सस्ता हो गया, वन प्लस वाले भी बोलेंगे अरे चलो सैमसंग लेते हैं, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट में ऐसा प्रॉब्लम होता है, समझा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट की केस में सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी तो वो महंगा हो गया, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हुई वो सस्ता हो गया, लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज नॉट द केस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। अब जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंटरी पे। बेटा सब्स्टिट्यूट की केस में क्या है, आपको एक्स और वाई में से एक चूज करना है, तो जो सस्ता है वो आप चूज करोगे, अगर X महंगा है मतलब Y महंगा है, अगर Samsung महंगा है तो आप OnePlus चूज करोगे, अगर आप Samsung सस्ता है तो आप Samsung चूज करोगे, OnePlus की डिमांड कम हो जाएगी, समझा यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट की केस में यू हैव टू चूज ईदर ऑफ द वन। कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं है, ये है प्रोडक्ट X, ये है प्रोडक्ट Y, जैसे ये है बाइक और ये है उसे लगने वाला पेट्रोल, अब यहाँ पे आपको बाइक के साथ पेट्रोल भी यूज करना पड़ने वाला है, तो बाइक की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, बट अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग बोलेंगे यार बाइक खरीदना नहीं परवड़ता। मैंने बोला क्यों बे, बाइक तो पहले भी 1 लाख की थी, आज भी 1 लाख की है। उसने बोला सर बाइक 1 लाख की है बट पहले पेट्रोल 70 रुपए था, अब 110 रुपए हो गया है, तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो जनरली बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ ले लेना, समझा पक्का। तो एक बात समझो, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस में चेंज हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस में चेंज हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज हो रहा है, इवन दो हमारा जो प्रोडक्ट है एक्स उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया फिर भी उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस में चेंज आया तो। इसीलिए टू अवॉइड दैट वी आर अज्यूमिंग कि दीज प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, ये हम अजम्पशंस देख रहे हैं कि दीज प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। सेम वे अगर कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइसेस में चेंज आया तो एक्स के डिमांड में चेंज आ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अरे भैया हमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, हमें एक्स की प्राइसेस की वजह से कितना एक्स की डिमांड में चेंज आ रहा है वो चेक करना है, तो वी विल अज्यूम दीज ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। सर पेट्रोल की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, तब बाइक की डिमांड सिर्फ उसके खुद की प्राइस की चेंज आने के बाद चेंज होगी। अगर पेट्रोल की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है तो बाइक की डिमांड तभी चेंज होगी जब बाइक की प्राइसेस चेंज होगी। अगर सैमसंग की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है तो वन प्लस की डिमांड तभी चेंज होगी जब उसकी खुद की प्राइस में चेंज होगा। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। For that we have to assume these remain constant. Give me a thumbs up. अगर या शर्ट एंड जीन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, बेटा ये सब है ना स्कूल में ट्यूशन में दिए आने वाले एग्जाम्पल्स है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, शर्ट एंड जीन्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरे लिए तो यही है। गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट्री है, गर्लफ्रेंड और दूसरी बंदी जो मुझे पसंद है सब्स्टिट्यूट है, जो कम भाव खाएगा हम उसके, देखो सब्स्टिट्यूट्स मतलब दोनों में से मेरे को एक चूज करना है तो जो कम भाव खाएगा मैं उसके पास जाऊंगा। अगर मिस जेड भाव कम खाती है तो मैं मिस जेड के पास चला जाऊंगा, वाई की डिमांड खत्म हो जाएगी। मिस वाई कम भाव खाती है तो मैं वाई के पास आऊंगा, मिस जेड की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड आती है, अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड भाव खाने लग गई ना, मतलब चाय से ज्यादा केटली गर्म है ऐसा बोला जाता है हिंदी में, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है वो भाव गाने लग गए तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दूंगा भाई, मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भाव नहीं कर रही, मैं बोलूंगा सॉरी आप नहीं परवड़ते हो माता जी, क्योंकि आपके साथ आती है आपकी
बेस्ट फ्रेंड जो महंगी होते जा रही है दिन ब दिन, समझा यहाँ पे? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर दिस थम्स अप, ठीक है? सो दिस वॉज द नेक्स्ट वन, ठीक है? अब हम फिफ्थ वाला 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिफ्थ वाले पे हम कल जाएंगे, फिफ्थ वाला भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है? आज हम जाते हैं अब नेक्स्ट वाले पे, दैट इज नो, फिफ्थ वाला अभी छोड़ रहा हूं, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाले पे. नो चेंज इन साइज, एज कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब क्या बेटा? ये एक एरिया है, ये एक सिटी है, सिटी सॉरी, ये एक सिटी में एक एरिया है. अगर यहाँ पे सीनियर सिटीजन ज्यादा रहते हैं, अगर यहाँ पे सीनियर सिटीजन ज्यादा रहते हैं तो यहाँ पे जनरली हॉस्पिटल्स और मंदिर ज्यादा होंगे. इस एरिया में हॉस्पिटल ज्यादा होंगे. डू यू अग्री? यस सर, ऑब्वियसली. बट वही अगर इस एरिया में रेसिडेंस अगर ज्यादा है, ठीक है, तो बच्चे भी बहुत होंगे, तो आसपास स्कूल्स भी होंगी. समझा कि नहीं समझा? आपकी सिटी में देख लो, जहां पे आपकी सिटी में कॉलेजेस ज्यादा है वहां पे कैफेस ज्यादा है. वाह, एक सेकेंड ना. जहां पे आपके सिटी में, आप हर सिटी में होता है, जहां पे सिटी के सबसे फेमस कॉलेजेस है उसके आसपास आपको कैफे नजर आएंगे, स्टेशनरीज नजर आएगी, हो सकता है क्लोथ शॉप्स नजर आए, मेडिकल्स इतने नजर नहीं आएंगे. बट जहां पे सीनियर सिटीजन या रेसिडेंसेस ज्यादा है वहां पे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मेडिकल शॉप्स ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि रेसिडेंस के आसपास वेजिटेबल शॉप्स ज्यादा नजर आएगी. समझा यहाँ पे? सो ये बोल रहा है इनका कि बेटा अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया. साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या? साइज ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी सिटीज की बात करते हैं, दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर. बेटा अगर किसी सिटी में पहले 1 लाख पॉपुलेशन था, अब बढ़ के वो 20 सालों के बाद वो बढ़ के हो गया 2 लाख, तो नेचुरली डिमांड ऊपर चली गई, हर एक चीज की डिमांड बढ़ गई. क्योंकि मुझे पता है एक जमाना था जब कुछ स्कूल्स की एक ब्रांच हुआ करती थी पुणे में, आज उन्हीं स्कूल्स की पुणे में 10-10 ब्रांचेस है. दिस हैज हैपेंड ओनली बिकॉज द साइज ऑफ पॉपुलेशन हैज गॉन अप. Because the size has gone up, number of students has increased, so fees में change आओ ना आओ, naturally हर बच्चे को education चाहिए. तो एक school में इतने fit नहीं हो रहे थे, तो हर एक school ने अलग अलग areas में जाके अपनी एक एक branch डाल दी. तो अगर size of population change होता है, size of population मतलब quantity, अगर number of population change हो रहा है, बढ़ रही है हमारी population, घटती तो है नहीं, इंडिया में अब तक घट नहीं रही है, जिस भी एरिया की population बढ़ते जाएगी naturally वहां पर डिमांड बढ़ेगी. समझा? मैंने एक एरिया में अपनी शॉप डाल दी जहां पे अभी 10 ही बिल्डिंग्स है और 50 बिल्डिंग का काम चालू है, 5 साल में वो 50 बिल्डिंग्स भी रेडी हो गए. डोंट यू थिंक मेरी डिमांड नेचुरली बढ़ जाएगी? यस. एज कॉम्पोजिशन ये, अगर यहाँ पे, अगर हमारी कंट्री में फिलहाल 20% सीनियर सिटीजन है, 40% यंग क्राउड है, 40% यंग क्राउड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यंग लोगों की डिमांड होती है, मूवी थिएटर्स चाहिए इनको, रेस्टोरेंट्स और वो सब चाहिए, या बूढ़े लोगों की डिमांड होती है, हमें हॉस्पिटल चाहिए, मंदिर चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है. लेट मी टॉक अबाउट पुणे. बच्चों एक जमाना था, जैसे पुणे को आज भी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि पुणे को एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है. बच्चों एक जमाना था पुणे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स से भरा पड़ा होता था, तो डिमांड होती थी एजुकेशनल सर्विसेज की. जो भी बंदा एजुकेशनल सर्विसेज देता है, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस, इनकी ही डिमांड सबसे ज्यादा थी. इसके साथ साथ मेस, हॉस्टल, पुणे में बस इन सब चीजों की डिमांड थी. समझा? अब धीरे धीरे क्या हो गया, पुणे में काफी बड़ा आईटी सेक्टर आ गया, बहुत सारी कंपनीज बैंगलोर और हैदराबाद के बाद पुणे में आने लग गई, और अब पुणे में वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा है. वर्किंग प्रोफेशनल्स मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, इनकी सैलरीज लाख्स में होती है. मल्टीनेशनल कंपनीज में 1-2 लाख रुपए महीना सैलरी कमाते हैं. अब इनको थोड़ी ना हॉस्टल चाहिए, इनको थोड़ी ना मेस चाहिए, समझा कि नहीं समझा, इनको चाहिए शॉपिंग करनी है, इसीलिए पुणे में मॉल्स बढ़ गए. इनको हर सैटरडे, संडे, वीकडेज, वीकेंड्स बाहर जाके खाना है, इसलिए पुणे में होटल्स और पब्स बढ़ गए. बच्चों होटल्स और पब्स जो है ना, वो स्टूडेंट्स के भरोसे पे नहीं चलते हैं,
जैसे ही तो देखो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन पुणे हैज चेंज्ड. द पुणे द कॉम्पोजिशन ऑफ पुणे पॉपुलेशन वाज इट वाज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ इट इज कंप्राइज्ड ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स हु अर्न अ लॉट ऑफ मनी. सो देयर डिमांड्स हैव चेंज्ड. इसलिए पुणे में इतने मॉल्स है, आप देख के परेशान हो जाओगे. पुणे में इतनी होटल्स, पब्स और मॉल्स और थिएटर्स है क्योंकि ये गरीब बच्चों को कुछ और चाहिए था, ये अमीर बच्चों को कुछ और चाहिए. अमीर बच्चे मतलब कमाने वाले बच्चे, समझा. एंड लास्ट इज सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो अगर किसी एरिया में, प्लीज ध्यान दो, हम कितनी भी जेंडर इक्वालिटी की बात करें, मैं मानता ही नहीं कि हम जेंडर इक्वल हो सकते हैं. लड़कियां अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लड़के अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. कुछ जगह लड़कों के लिए, कुछ जगह पे लड़के इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ जगह पे लड़कियां इंपॉर्टेंट होती है. वैसे ही चॉइसेस, अब कुछ भी कर लो, बॉयज और गर्ल्स की चॉइसेस मैच नहीं हो सकती. कितना भी जेंडर इक्वल हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बट बॉयज और गर्ल्स की चॉइसेस मैच नहीं हो सकती है, ठीक है. तो अब ध्यान दो, अगर हमारी किसी एरिया में पॉपुलेशन ऐसा है कि 50% बॉयज है और 50% गर्ल्स है, ठीक है, तो आधी शॉप्स इनकी नीड्स को फुलफिल करने में लगी होगी. इन्हें चाहिए नेल पेंट, इन्हें चाहिए कपड़े. अब जब इनको कपड़े चाहिए तो इनको ट्रेडिशनल वेयर के लिए अलग दुकान चाहिए, इनको वेस्टर्न वेयर के लिए अलग दुकान चाहिए, इनको सैंडल्स खरीदने के लिए अलग दुकान चाहिए और कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए अलग दुकान चाहिए. गर्ल्स कॉस्मेटिक्स अलग दुकान से खरीदती है, समझा, और कपड़े अलग दुकान से, जूते अलग दुकान से. बॉयज कॉस्मेटिक्स के लिए कोई दुकान नहीं, सर हम मेडिकल जाते हैं, फेस वॉश उठाते हैं, ठीक है, साबुन ले लेते हैं, बॉडी वॉश लिया तो ले लेंगे, पैसे रहे तो, नहीं तो साबुन ले लेंगे. हमारा सब कुछ मेडिकल में मिल जाता है हमें. कपड़े एक ही दुकान में जाते हैं, शर्ट भी मिल जाता है, पैंट भी मिल जाता है, टी शर्ट भी मिल जाता है, जैकेट भी मिल जाता है, हमारा खत्म. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो अब अगर धीरे धीरे यहां से बॉयज कम होने लग गए और गर्ल्स बढ़ने लग गई, सपोज यहाँ पे अब हो गई 70% गर्ल्स और सिर्फ 30% बॉयज, डोंट यू थिंक डिमांड गर्ल्स के प्रोडक्ट की ज्यादा बढ़ जाएगी? यस. तो इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो चेंजेस, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर नीडेड बाय दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे गर्ल्स बढ़ गई तो गर्ल्स की जिस चीज की डिमांड है वो शॉप्स बढ़ने लग जाएंगी, नेचुरली डिमांड बढ़ने लग जाएगी, इवन दो प्राइसेस चेंज नहीं हुई है, समझा. सो विद दिस डिस्कशन वी आर स्टॉपिंग हियर टुडे, ठीक है. एक दो तीन और चार, एक सेकेंड, हमारे पांच हो गए हैं आज, ठीक है, और पांच हम करेंगे कल, ठीक है. थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो. नहीं समझा कुछ तो पूछ लेना कल, आज पढ़ लेना. वाओ मैंने क्या खिचड़ी कर दी है, ठीक है. ओके, थैंक यू, थैंक यू, अलविदा. दस विदानिया. अरे शिवा थैंक यू. क्या मेरे लुक को लेके पढ़ाई करो, फोकस ऑन योर स्टडीज बच्चों. थैंक यू शिवा, थैंक यू आयुष, थैंक यू द रेस्ट ऑफ द क्राउड. सी यू टुमारो एट मेरा 5 बजे ही रहेगा. यो बाय बाय.